इन दिनों नगर में आवारा पशुओं की भरमार एवं उनके आतंक के कारण शहर वासियों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बाजार क्षेत्र में दुकानदारों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। उधर इस संबंध में स्थानीय प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी अनदेखी कर रहा है। हालांकि नगर निगम द्वारा आवारा पशुओं को लेकर अभियान भी चलाया गया, लेकिन वो भी बंद पड़ा है। पिछले कई महीनों से शहर में आवारा पशुओं की भरमार है। चारों ओर आवारा पशु देखने को मिलते हैं, जिसके कारण शहर में गंदगी और हादसे हो रहे हैं। बाजार क्षेत्र सहित सक्री गलियों में सांडों व आवारा पशुओं का निरंकुश होकर घूमना लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। आवारा पशु सब्जी मंडी, करनाल रोड कॉलोनियों में घूमते रहते हैं, जहाँ गंदगी फैलाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि खाद्य व सब्जी आदि की दुकानों पर भी वह अपना मुंह मारते रहते हैं। दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। शहर वासियों द्वारा कई बार समस्या को लेकर प्रशासन से शिकायत करने की बात कही, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। शहरवासी पवन पंचाल चरणजीत ने बताया कि शहर में काफी संख्या में आवारा पशुओं की भरमार है, जिसके कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आवारा पशु गलियों में गोबर कर देते हैं, जिसके कारण बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि कई बार इन पशुओं के कारण हादसे भी हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द आवारा पशुओं को पकड़े और उनके नंदीशाला गौशाला में पहुंचाया जाए। शहर वासियों ने कहा कि जो भी व्यक्ति इन पशुओं को छोड़ता मिले, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। ये अब जो सामान पड़ा है बाहर फाड़ फूट जाते हैं, आलू जो हो गया, प्याज हो गया, जो भी सामान पड़े है सब फाड़ जाते हैं, खा जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं जी। आज ये बाहर से लोग छोड़ जाते हैं जी। हाँ जी, दो चार तो रोज मर जाए सड़क पे हवा की वजह से, वो मर जाते हैं वहाँ ट्रक ट्रुक वाले ट्रक के नीचे आके। सर, जो आज के समय में आवारा पशु हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जिसके कारण सर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो गए हैं। और सर, ये आवारा पशु एक तो बाजारों में सर झुंड बना के चलते हैं, तथा जिसकी वजह से सर ये कहीं पर भी गंद गोबर कर देते हैं, जिससे गंदगी फैलती है और शहर जिसके कारण शहर में सर बीमारियाँ फैलती हैं। और साथ ही साथ सर जहाँ पे कोई ट्रक वाला या गाड़ी वालों को टक्कर मार देता है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से इनकी मौत हो जाती है, तो सर वहाँ से ना कोई उठाता भी नहीं है, तो वहीं सर स्मेल होती है, मतलब फिर उससे सब बीमारियाँ फैलने का कारण बन जाता है वो भी। तो सर साथ ही साथ जो लोग इनको सड़कों पर छोड़ के चले जाते हैं, हमारे प्रशासन से भी मांगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ प्रशासन से भी हमारी अपील है कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से सड़कों पर उठाकर गौशालाओं में पहुँचाया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।